के मथुरा से। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में हुई भारत विरोधी नारेबाजी को लेकर पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल श्रीनगर में अलगाववादी नेता मसद आलम ने पाकिस्तान का झंडा फहराया था और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे, जिसके विरोध में मथुरा में कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और उसके खिलाफ नारेबाजी भी की। पेश है यह रिपोर्ट। अरे इधर नहीं, झंडन तो उतारो, झंडन पे भूखो साले, भूखो हम लोगों ने जो मसरत आलम हैं, जिनको पीडी सरकार ने अभी रिहा किया गया, वह हमारे भारतवर्ष के अंदर श्रीनगर के अंदर पाकिस्तान के झंडे फहराकर पाकिस्तान की जिंदाबाद और भारतवाद की मुर्दाबाद कर रहा है। ऐसे कट्टरपंथियों को आज हमने मथुरा में ऐसी जगह पर जहां से एक संदेश जाएगा, यहाँ त्राहे पर क्वालिटी त्राहे पर हमने उसका पुतला फूका है, पाकिस्तान के झंडे जलाए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, यदि ऐसे कट्टरपंथी इस देश में जीवित रहे और जागते रहे तो निश्चित रूप से एक सांप्रदायिक का माहौल बिगाड़ेंगे जो इस देश में जन्म लेता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे सब भारत की बात करनी चाहिए। यदि वो इतना ही पाकिस्तान का हितैषी है तो क्यों नहीं भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में चला जाए, नहीं तो यहाँ के लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहते हैं, जो भाजपा की सरकार है वह भी मिली हुई है, क्योंकि उसके साथ में पीडी सरकार चलाई जा रही है। क्यों नहीं केंद्र की सरकार उस सरकार को गिरा दे, यदि उनके अंदर जरा भी नैतिकता है। आज यदि ऐसे कट्टरपंथी इस देश में जगते रहे तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक का माहौल बिगड़ेगा और अलगाववादी जागते रहेंगे। हम केंद्र सरकार से और वहाँ की कश्मीर की सरकार से मांग करते हैं कि इसको पुनः सलाखों के बीच भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसे लोग पुनर्जीवित न हो सकें।